रेखा थी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हरबान रेखा थी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बीजेपी पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अरे बीजेपी पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हरबान रेखा थी हल्ला बोल का राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज, तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को और जो दर्शक नहीं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि कल 2 तारीख को माहौर के अंदर बीजेपी ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। अब ये माहौर बाजार की आप साथ साथ वीडियो भी देख रहे हैं और वो किसे देख लिया होगा आपने फर्स्ट में, और आगे भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि हमने एक बार कहा था कि आने वाले समय में बीजेपी बीजेपी के खिलाफ में सड़कों में उतरेगी। वो हमारी जो भविष्यवाणी थी पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज की, वो आज आप हमारे चैनल पे, चैनल हमारे नहीं, आप अपने चैनल पे, पहाड़ी चैनल के आप लोगों का अपना चैनल है, इस चैनल के ऊपर देखें कि ये क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो प्रोटेस्ट भी कौन कर रहे हैं। ये बीजेपी के जो एक बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट एसटी जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अकरम, और की एक बीजेपी लीडर और है मोहम्मद असलम, मैं थोड़ा करेक्शन कर लेता हूं, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है, सरपंच है मोहम्मद असलम, और ये मोहम्मद बीजेपी का एक लीडर है मोहम्मद अकरम। ये आने वाले जो शोर्स कहते हैं कि आने वाले भी उस मोहर एरिया का अंदर कैंडिडेट भी हो सकता है, लेकिन देखिएगा कि जो कैंडिडेट होने वाले जहाँ बीजेपी बीजेपी के खिलाफ किस तरह से सड़कों में उतर गई है, और आने वाले समय में हम तो ऑफलाइन में भी बीजेपी को इस तरह की हम सलाह देते रहे, जनता की सलाह उनको उनके लीडरों को देते रहे, लेकिन उनके लीडर बिल्कुल जो बीजेपी के लीडर हैं बिल्कुल मतलब कि एकदम घमंड में डूबे हुए हैं कि अगर वो वोट देगा तो जो हिंदू वोट किसको देगा। मैं तो नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम भी वोट हो सकता है, इक्का दुक्का दे सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट नहीं देता है, ये बीजेपी की भूल है, और बीजेपी के इस भूल को लेकर के हिंदुओं के वोटर को खो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हिंदुओं के वोटों का खैर है, शरेआम कह रहे हैं लोग। रियासी के अंदर कल भी हमारी मीटिंग हुआ, कल भी लोगों से, काफ़ी लोगों से, जो ग्राउंड के जो वर्कर हैं, ग्राउंड के जो बैकडोर जो लीडर हैं इसके बीजेपी के, उन्होंने भी यही चीज़ ही बताया, बेहद दुखी हैं, बेहद परेशान हैं। मैं जो नया टीम रियासी में आ रखा है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि कुछ सुधार करिए, कुछ सुधार करेंगे तो आने वाले समय में, नहीं तो तीनों सीटें हारने के कंगार में बीजेपी रियासी में पहुंच चुकी है, ये जनता का कहना है। हमने कहा था एक दिन कि हम सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के बाद हम बताएंगे कि आने वाले समय के इस वक्त जो रुझान है, इस वक्त जो रुझान है, और जो पब्लिक की जो डोर टू डोर जाकर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया लोगों के साथ, बिल्कुल लोग ना खुश हैं बीजेपी के लीडरों से। और हमने पहले भी डिक्लेरेशन कर दिया था एक बार कि बीजेपी के लीडर ही उतरेंगे एक दिन ग्राउंड के अंदर, लेकिन वो आज कल उन्होंने ये चीज़ करके दिखाया माहौर के अंदर के एसटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के खिलाफ आके वहाँ जनता के अंदर आके बेहद नारे लगाए उन्होंने। नारे आप साथ साथ पहले देख चुके हैं और आगे भी देखिएगा। मैं फिर बीजेपी के लीडरों से, जो मैंने देखा है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी ठीक काम कर रहे थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी ठीक काम कर रहे थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की लोगों को बहुत सारी शिकायतें कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमेशा हमेशा मैं कटरा में ही रहता है और डिस्ट्रिक्ट रियासी ऑफिस के अंदर नहीं दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं, लोग मारा मारा फिरते हैं, लोगों की फरियाद होती है, हर आदमी परेशान परेशान दुखी है बीजेपी से रियासी के अंदर। लेकिन हम ये हमारा कतई भी कोई बीजेपी के हम कोई खिलाफ नहीं कह रहे हैं, हमारा चैनल बीजेपी के कोई खिलाफ नहीं है या हमें उनसे कुछ लेना देना, हम फिर भी कह रहे हैं कि हम फिर भी जनता की सलाह, जनता हमारे को कहती है कि सर उनको थोड़ा सा कोई ऐसा वीडियो बनाओ जिस वीडियो से उनको कोई सद्बुद्धि आए। हम तो कहते हैं हम तो सद्बुद्धि तो खैर उनको नहीं दे सकते, लेकिन जनता की तरफ से, माता वैष्णो से और बाबा भोले से इनसे प्रार्थना कर देते हैं कि बीजेपी को सद्बुद्धि दे और सही मार्गदर्शन में चले। आने वाले समय में आप ये चीज़ भूल जाइए, ठीक है, मान लीजिए 2024 में माननीय प्रधानमंत्री तो ठीक है 340-330 या कितना भी आंकड़ा जो टीवी वाले जो खरीदे हुए पे टीवी वाले दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत ग्राउंड में 2024 में पता लगेगी। चलो मान लिया कि हम भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के भी कह रहे हैं कि चाहे वो जो गधाई क्यों ना खड़े कर देंगे मोदी के जो 2024 में चुनाव होंगे तो वोट तो वो तो जीतेगा,
वो तो क्लियर है, लेकिन जो वो जो ऐसे जो स्टेट के जो अगर इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर बीजेपी को काफ़ी मार पड़ने वाली है, लोग बेहद परेशान है। फिर से मैं ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक से मैं पब्लिक की आवाज़ बन करके मैं आगे आया हूँ, और मैं इनसे पूरे बीजेपी लीडरों से अपील करना चाहूँगा कि जाग जाओ, जाग जाओ, अभी भी समय है, जाग जाओ। आने वाले समय में 2024 में तो चलो वो तो कोई भी सेंटर की सीट तो कोई भी ले जाएगा, उसकी बात को मायने नहीं रखता है, लेकिन लोगों को फ़ायदा चाहिए। जितने भी लीडर खास करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर लोग रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी के ऊपर बेहद नाराज हैं, बेहद नाराज हैं, मीडिया बेहद नाराज है, मीडिया को अनुमति नहीं देते, मीडिया के ऊपर सही बात नहीं बताते हैं। कोई भी कार्यक्रम, कहीं भी कई प्रोग्राम थे, जो स्कूल थे, स्कूल केंद्रीय विद्यालय मिलना था, टूल टैक्स का था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जनता के थे, लेकिन वो डॉक्टर जितेंद्र जी कह रहे हैं लोग के नहीं कर रहे हैं, नहीं एड्रेस कर रहे, आते हैं सब वादा करते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं। चलिए अब जो लोग दर्शक जो देखेंगे इस वीडियो को जो कल वाली, तो अपना अपना राय रखना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि ये आप लोगों को, आप लोगों की पावर है, अंगूठा आप लोगों की पावर है, ये कलम आप लोगों की पावर है, क्योंकि इसके ऊपर हम भी पहाड़ी एक्सप्रेस भी, आप हर एक अपने जो चैनल के हमारे पास जो माइलस्टोन्स कमेंटर हैं उनको हम जल्दी अवार्ड देने वाले हैं, क्योंकि जो आप लोगों का कमेंट, हर एक कमेंट हमारे जो चीफ एडिटर्स होते हैं और रिपोर्टर होते हैं, हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, जो अच्छा कमेंट होगा हम लोग जल्दी ही एक पैनल तैयार करके उस अच्छे कमेंट करने वाले को चैनल की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। चलिए मैं इतना ही कह सकता था आज, और इससे ज़्यादा ना कहेंगे, आप लोग को भी फ्रीडम है, आप कहिए इसमें क्या कहना, क्या सही करे बीजेपी, ये गलत करे, आप अपना अपना राय जरूर रखें। चलिए पूरे जम्मू कश्मीर की गुजर आबादी तुम ना देखे, क्योंकि हाजी बुलंद खान साहब के लोग पानी नहीं मारता, हाजी साहब पकेगा नाराजी, हाजी साहब वादा नहीं करता कि हम बीजेपी ने वोट देगा, तुमने सिर्फ वोट लेने वास्ते थारो सौदा नहीं करता, इंशाल्लाह ना थारो सौदा पहले की हुआ है ना बिकेगा, और त्रै चीजों को वादों करांगा, ना बिकांगा, ना रुकांगा, और ना चुकांगा इंशाल्लाह। तो गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, आख उमरा की दर्रो दीवार हिला दो, आखे उमरा गया ये शाह और बादशाह, आखे उमरा के दर्रो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोदो जो यकी से, गरमाओ गुलामों का लहू सोदो यकी से, अंजश की फरो माया को शाही से लड़ा दो। और एक आखिरी गल कि जिस खेत से दहका को मयसर न, चलिए कैमरामैन के साथ मुझे दे इजाजत, बी एस राजपूत को जय हिंद, नमस्कार।